बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन थोड़ा शाद कीजिए। सालाना उर्स मुबारक साईं टिक्का सरकार रहमतुल्लाह अलैह, मैं पिछले साल भी हाजिरी करने आया और बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बत मिली। मेरे प्यारे भाई चौधरी साजिद ठंडा पानी, वो मुझे 2 महीने पहले ही सरकार के उसकी इतला देते हैं और फिर बड़ी मोहब्बत से, अकीदत एहतराम से चौधरी साजिद साहब यहाँ लेके आते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उनको मेरे बदले का भी सवाब मिलता है, अजर मिलता है कि वो इतनी अकीदत और एहतराम से सरकार की चादर मुबारक और फिर ये महफिल समा का जो एहतमाम है वो खसूसी तौर पर चौधरी साजिद साहब की सरपरस्ती में होता है। और गद्दी नशीन साईं खावर सरकार, उनका बहुत ममनून हूँ कि पिछली दफ़ा भी उन्होंने बहुत प्यार दिया, इज्जत दी और दीगर इंतज़ामिया में राजा अलादिता सेठी, नाइक जया सती, मलक वकार, राजा तालिब साहब, इलियास खोखर, असमत सत्ती, डॉक्टर इम्तियाज, राजा सालिस, चौधरी अब्दुल मजीद और मेरे भाई राजा कमर इस्लाम, इन तमाम अहबाब का तह दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिनका नाम नहीं ले सका उनका भी तह दिल से शुक्रगुजार हूँ। सामईन महफिल समा में मैं इब्तदा में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज करूँगा तो उसके बाद दीगर मनाकिबात और कलाम। भाई ये रास्ता जरा क्लियर कर दें, बड़ी मेहरबानी, जगह वैसे नहीं है। और इंशाल्लाह मैंने सरकार से कहा है कि अल्लाह ताला अपना फजल करम करे अगले साल ये जगह खुली हो जाए जरा, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है। मुझे दौलत कौनैन मिली, जिंदगी दर दर अहमद पे बसर हो जाए। अरे मैं ये समझूंगा मुझे दौलत कौनैन मिली, जिंदगी दर दर अहमद पे बसर हो जाए। मेरी ए अल्लाह मेरी फरियाद में इतना तो असर हो जाए, मेरा दिल जो तड़पे तो मोहम्मद को खबर हो।
तो मुझे न कलीम का तसव्वुर न ख्याले पूरे मदीना मैं गुलाम
ऐ जन्नत तुझ में हूरों कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, पर ऐ जन्नत तू आ आ तवाफ कर मेरा, अरे मेरे दिल में हसूर रहते हैं, मैं गुलाम पहुंचाता था, पर हजरत बिलाल की जुबान पर यही वजीफा आता था, मैं गुलाम देख कर जहन्नम को भी आ गया पसीना।